सलाम नमस्ते, कैसे क्या है। वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। तो मैंने लास्ट वीडियो में हमारा रूम टूर दिया था, तो अगर आपने रूम टूर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो के देखो। लास्ट वीडियो के एंड में रूम टूर था। और अगर आप न्यू जुड़ रहे हो हमारे ये गूगल सीरीज़ में, तो गूगल सीरीज़ के पहले दोनों वीडियोज़ देख के आओ। डे वन बहुत मस्त था और ये है डे टू। फिर मैंने रूम के बाहर आ गया और यहाँ पर इतनी मस्त हवा चल रही ना, वाओ, इससे अच्छी गुड मॉर्निंग हमारी नहीं हो सकती थी। वॉट इज़ द व्यू मैन, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या वाह, क्या मतलब। ये ना मैं आपको बस बता पा रहा हूँ, लेकिन ये जो फीलिंग अगर आपको करनी ना तो आप यहाँ पर आना पड़ेगा। इतना सुंदर है ना ये, ओ माय गॉड, आपको एक व्यू बताता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ ये देखो घासों में। कल रात को ना यहाँ पे ये लाइटिंग के साथ और भी मस्त लग रहा था, और हमें ना कल रात को यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया विद फैमिली। बहुत टाइम बाद हमने ऐसे टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमको ऐसा लगा नहीं था कि हमको ऐसी जगह पे इतना अच्छा होटल मिलेगा। तो ये देखो, निकलने के पहले चाय जो ज़रूरी है, और साथ में ये व्यू। बीके हो गया एंड वी आर सेइंग बाय टू दिस व्यू। बहुत मज़ा आया, और पता नहीं कब वापस आएंगे, क्या आएंगे कि नहीं। बहुत मज़ा आई। अब चल रहे अभी चाहेंगे, आज बहुत दूर जाना है, 3 या 4 घंटे का सफ़र है। चेक आउट हो रहा है, यहाँ पे मज़ा आया एक दिन। और अगर आप कभी आते हो कोल्हापुर तो एक दिन तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा लो और यहाँ पे आके एक दिन रहो। दिस इज़ आचला मसाई माउंटेन स्टे। किसी को भी मसाई पटार डाल देना या फिर यही नाम डाल देना, आचला मसाई माउंटेन स्टे आपको मिल जाएगा। इतिहास ही मुक्काम केला, याच्यानंतर आम्ही वाह्या गगनबावडा जो टायगर रिझर्व प्रोजेक्ट आहे याच्या या घाटातून आम्ही उतरत आहोत कणकवलीला, आणि कणकवलीवरून सिंधुदुर्गला जाऊन जो वॉटर फोर्ट आहे जलदुर्ग, वॉटर फोर्ट म्हणजे जलदुर्ग, जो तो बघण्यासाठी आज आपला दिवस आपण रिझर्व ठेवला आहे। लेट्स गो। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are। चढ़ के हो चुका है, अब नीचे उतरना है। यहाँ से और सिनेमैटिक्स एंजॉय करेंगे हम। ये देखो यहाँ पर हमको जाना है, उधर उधर दिखा है तार कर ली 110 किलोमीटर। ये देखो भाई इस तरफ देखो, ओह माय गॉड, यहाँ पर रात को आओगे तो आपको ये भी मिल सकता है। तो अपने रिस्क पे ट्रैवल करना रात को। ये जो पॉइंट है यहाँ पर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है और कोकण शुरू होता है, तो वेलकम टू कोकण। खूब सुंदर है, लय मजा येते, आणि एवढं चांगलं इथे फील होत आहे ना। मॉर्निंग चांगली झाली, थांबा एसटी जाऊ दे मग बोलू। आणि ही आपली लाल परी, एसटीमध्ये ट्रॅव्हल करायला पण लय मजा येते। आणि बाकी एवढं सुंदर आहे बघा, आमच्या पाठी बघा, पूर्ण लांब लांब पर्यंत फक्त माउंटन्स। ओ माय गॉड, किती मस्त। वी हॅव रीच्ड मालवण, और ये देखो सिंधुदुर्ग किल्ला जाना है हमको सीधा, और सिंधुदुर्ग किल्ला पानी के अंदर है तो बहुत मजा आएगा। तारकर्ली भी जहाँ से 6 किलोमीटर है, सिंधुदुर्ग फोर्ट 2 किलोमीटर है, तो सिंधुदुर्ग फोर्ट वी आर कमिंग। ये देखो यहाँ पे सेफ कार पार्किंग है, यहाँ पे आपका कार एकदम सही सलामत रहेगा। तो अगर आप आते हो सिंधुदुर्ग फोर्ट तो आपको एंड तक ले जा सकते, बाइक पार्किंग भी है वो लेफ्ट साइड में थी। अभी हम लोग सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए जाने वाले, आप बोट के अंदर बैठ के जाना है अंदर किले की तरफ। वो देखो सिंधुदुर्ग अच्छे से दिखेगा, लेट्स गो भाई, बहुत मजा आने वाली है। देखो ये हम लोग की बोट, ये हमको लेके जाएगी सिंधुदुर्ग फोर्ट पे। तो ऐसे हम लोग को बोट में हम सब लोग बैठे, और फिर ये देखो आपको दिख रहा होगा दूर दूर सिंधुदुर्ग फोर्ट हो रहा था। और यहाँ पे बोट में कम से कम 25 या 30 लोग को रखते, और ऐसा ये देखो इतना मस्त नज़ारे में, फोर्ट जो है चारों बाजू से पानी से भरा हुआ है,
और यहाँ पे ऐसे बोट से जाना पड़ता है, और जो लहरें आती है ना बीच में थोड़ा डर लगता है, पर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मस्त था और बहुत मज़ा आया। और ये बहुत मज़ा आया ये बोट से आने को, आई गेस आपको भी मज़ा आया होगा। और अभी चलते और सिंधुदुर्ग फोर्ट के दर्शन लेते। आज हमने एक ही चीज़ रखा था क्योंकि बहुत थक गए थे, तो आज सिर्फ ये देखेंगे और मजे करेंगे। बाकी यहाँ का बीचेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, यहाँ के बीचेस देखो मस्त ब्लू कलर का पानी दिख रहा है। और ये अभी ये बोट सेक्शन है, और दिस इज द गढ़ हम जो शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराजा ने बांधलेला हा पानद, चारी बाजूनी हा पानी ने सराउंडेड असतो आणि केवढा सुंदर दिसतोय हे बघा। सिंधुदुर्ग फोर्ट जो मालवण गाँव के किनारे पे है, जो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर के टाइम पे उन्होंने ये खड़ा किया था। सिंधुदुर्ग फोर्ट पुणे से 400 और मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है। किले का बांधकाम ईयर 1664 में शुरू हुआ और मात्र 3 सालों में इतना बड़ा किला उन्होंने बना दिया। जब भी आप सिंधुदुर्ग फोर्ट आते हो तो जो बोट से किले तक आते हैं उसका पर पर्सन 100 रुपीज़ होता है, और यहाँ पे अंदर 5 रुपया पर पर्सन आपको टिकट लेना पड़ता है। सो गाइस दिस इज द भुयारी मार्ग, ये वैसा वे होता है जिसमें क्या होता है पता है, आप लोग को पानी से नहीं जाना है, अगर आपको बाय लैंड जाना है तो ये देखो ये बड़ा वेल है एकदम डीप है अंदर, और ये सीधा पानी आपको पानी के नीचे से अंडरग्राउंड सीधा आपको मालवण में निकालता है जहाँ से हम आए। तो यू कैन, ये तो हम तो नहीं जा सकते, पहले के ज़माने में ऐसा जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब वो जल्दी पहुँचने के लिए ऐसा जाते थे, तो ये देखो ऐसा था। और बाकी तो किले का दर्शन इज डन, बाय बाय सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट होने के बाद अभी एक होटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेरे रूम के बाहर, अभी आपको रूम टूर देते हैं। हमने चेक इन कर लिया था तभी, बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो अभी देता हूँ मैं आपको रूम टूर, लेट्स गो। ये रूम भी बहुत मस्त है, रूम है, लेट्स गो। सीरियस ये देखो आते हैं यहाँ पर, उस चावी का यहाँ पे एक टीवी है, और ये देखो बहुत ही मस्त यहाँ पे एक बेड है, जहाँ पे फिलहाल मेरा सामान बिगड़ा पड़ा है। और इस तरफ जाओगे यहाँ पे मस्त एक आईना है, और यहाँ पर ये है हमारा बाथरूम। ये आप बताता हूँ आपको हमारे होटल का से बेल्कनी से व्यू, जो टीवी है जो अभी अनुज देख रहा था, क्योंकि शूज़ वगैरह ठीक है, एसी, एंड दिस इज़ द व्यू। चौक मत जाना, यू लाइक द व्यू? आई डू। स्विमिंग पूल है हमारे पास और बीच एक्सेस है, अभी थोड़ी देर में हम लोग बीच में जाने वाले हैं। वी हैव द प्राइवेट बीच एक्सेस, और यहाँ पे ये आराम से ऐसे लेटो और देखो नज़ारा। आप लोग को मेरा रूम टूर अच्छा लगा हो, अभी जाते फ्रेश होते और फिर चलेंगे बीच के ऊपर। क्या बात हो गई, इधर बाजू में इतना बड़ा बीच है और ये लोग यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। व्हाट इज दिस गाइस। तो ये तो हो गया स्विमिंग पूल, अभी चल रहे जिसके लिए हम लोग को बहुत बेताबर थे, फॉर द बीच। बीच पे स्विमिंग करने आए तो वो तो मंगता ही ना यार, बहुत मज़ा आएगा बीच पे स्विमिंग करने में। आहा मस्त हवा चल रही है, पूरा सनसेट होने तक आज बीच अपना है, अपना बीच है। वाह अनुज, बीच पार्टी ऑफिस गंदगी की होगी, और इसलिए क्लीन बीच, बहुत टाइम बाद इतना क्लीन बीच देखा है मैंने। See this guys, ये पानी मेरा जम गया देखो मेरे इधर, और ये देखो अनुज और ऋषि वहाँ पे खेल रहे, और ये बीच बहुत ही मस्त है, बहुत बड़ा है, और ये तो हमारे रिसोर्ट का ये प्राइवेट एक्सेस बीच है इसीलिए हमको ये मिला है।
बाकी बहुत मजा है। अभी मैं भी जाऊंगा और एक यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी हम लोग यहाँ पर रहने वाले। तो बीच पे हो गया था, मतलब काफी तो थक गए हम लोग। हम लोग फिर से पूल में आ गए, देखो अनुज पिक्चर में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ना यहाँ से व्यू बताता हूँ, जब सन शाइन होने वाला है थोड़े टाइम में, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूल भी बहुत मस्त है। तो दिस इज द व्यू फ्रॉम अवर पूल, क्या बात है, ऐसा पूल और ऐसा व्यू। और अभी अभी हमने थोड़ा नाश्ता मंगाया है, आराम से चिलिंग विद द व्यू। सनसेट और वाह, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर आके, एकदम सनसेट जैसा तुमको चाहिए था वैसा ही। हमारे दोनों होटल कल का भी बहुत मस्त था और आज का भी बहुत मस्त है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कल का होटल ज़्यादा अच्छा लगा था कि आज का। अनुज आपको कौन सा अच्छा लगा? क्यों आज स्विमिंग पूल है इसीलिए स्विमिंग, आज का कल का भी बहुत मस्त। मेरे को ये स्विमिंग पूल को हटा दे तो भी, अभी हम लोग इस वक्त इस यहाँ पर इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है, बाद में गारंटी लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वहाँ का जो ऑथेंटिक वाइब था इसलिए मैं उसको मेरे को वो पसंद है। ऋषि को पूछ के मतलब ही नहीं है, ऋषि भी यही बताएगा कि उसको भी सिर्फ स्विमिंग पूल चाहिए और क्या है। स्विमिंग पूल मिल गया तो ये कितने भी घंटे रह सकता है इसमें। वो देखो आई अभी अभी आई है ऊपर से। ओ अनुज यहाँ से हो कर रहा है। ओ और ये देखो ऋषि, आराम से आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर पापा तो सीधा चले गए आके बीच को देखने को। हमारे वेटर सब ला रहे खाना और फाइनली आ गया, पेट में जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ क्या बात है अंकल, और ना 5 चाय ला दो। सब खाना पीना होने के बाद फिर से ये पानी में, और ये देखो चाय के बिना तो सनसेट हो गया। सॉरी खाने में व्यस्त हम लोग। तो अभी सनसेट हो चुका है और अभी स्विमिंग पूल 8 बजे तक एक्सेस अवेलेबल है। तो अभी फोटो सेशन कर लिया है। अगर आपको मेरे फोटोज़ देखने हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टा का यूज़र आईडी, उससे आपको मेरे फोटोज़ भी दिखेंगे। तो बहुत मज़ा आया गाइस यहाँ पे स्विमिंग करके। और अनुज कैसा लग रहा है यहाँ पे स्विमिंग करके, और बाकी रूम अपना कैसा है? भाई क्या धक्का दिया इसको। ये वीडियो तो ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और कल का जो दिन है ना वो हमारा बहुत ही बेस्ट डे होने वाला है, डे 3, क्योंकि हम लोग उसमें जाने वाले हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा। हम लोग आ गए, शावर ले लिया मैंने और बहुत अच्छा लगा, इतना गर्म पानी था ना, जब इतना थकने के बाद गर्म पानी का शावर, आहा हा, सब मन को ना ऐसा सुकून सा लग गया। अभी सबसे पहले पेट पूजा, बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पर कुछ खाना पड़ेगा। तो चलो इसमें क्या है, इसमें है दाल तड़का, और इसमें क्या है, इसमें स्टीम राइस। तो खाना वाना सब हो गया और डे 2 हमारा यहीं पे खत्म होता है। और कल का दिन भी बहुत मस्त होने वाला है, और कल का जो डे 3 होगा वो शायद हमारा लास्ट डे होगा, क्योंकि वो बाकी डिपेंड करता है कि ट्रैवलिंग में हमको कितना दिन लगता है वापस मुंबई पहुंचने को। बाकी डे 2 को यहीं पे एंड करते हैं, और ये वीडियो को भी, और अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर टू ड्रॉप लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।